बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर दे। कमेंट में आमीन लिख दें, हो सकता है आपकी दुआ की वजह से किसी को अपना घर मिल जाए। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए हम 5 मल्ले का डबल स्टोरी घर लेके आए हैं। स्पेनिश डिज़ाइन में 5 मल्ला डबल स्टोरी ये घर है। नाज़रीन, ये घर की डिमांड जो है 1,65,00,000 है, और इस घर की जो लोकेशन है वो अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर है, और प्राइस जो है वो 1,65,00,000 है, नेगोशिएबल है, स्लाइटली वो मौके के ऊपर होगी, आप काइंडली जो है वो ना पूछा करें। नाज़रीन, इस घर में 5 बेडरूम हैं, 2 बेड नीचे हैं, 3 बेड ऊपर हैं, और 1 स्टोर रूम है, कार पोर्च है। बड़ी प्राइम लोकेशन पे नाज़रीन ये घर है। ये आप लोग इसका कार पोर्च देख सकते हैं, सामने जो है ओपन स्पेस वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे भी आप लोगों को एक वॉश बेसन दे दिया गया, और ये इसका कार पोर्च है जहाँ पे आपकी एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है, और ये स्टेयर्स के नीचे इसका पाउडर रूम है। नाज़रीन, ये घर डबल स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी जो है वो अलाउ है। अगर आप लोग ट्रिपल स्टोरी घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर के 1 नंबर गेट पर हमारा ऑफिस है, बिशारत स्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। ये इसके ड्राइंग्स हैं, मेंटर हो रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत ये घर बना हुआ है। इसमें फैंस इंस्टॉल हैं, सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं, और इस तरह की एक्सेसरीज आप लोगों को कुछ इस घर में मिल जाती हैं। बड़ी ही प्राइम लोकेशन पे 5 मरले का डबल स्टोरी, 25-45 इस घर का साइज़ है। नाज़रीन, अगर आप अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं तो नक्शा आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाते हैं, आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। ऑब्वियसली वो उसके चार्ज करते हैं, तो आप जो है नक्शे की सर्विसेज ले सकते हैं। ये सामने इसका ओपन किचन बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन में बना हुआ है, यहाँ पे वुडवर्क बड़ा अच्छा हुआ है, हॉब और हुड यहाँ पर इंस्टॉल है, और ये इसका किचन, आप किचन कैबिनेट्स, और ये इसका मेन डोर है, बड़े खूबसूरत इसके जो है वो डोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये आप लोगों को लाउंज का व्यू दोबारा से करवाया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं। अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर की नाज़रीन लोकेशन की बात करें तो मेन शरकपुर रोड के ऊपर ये सोसाइटी वाकई है। आप लोग लाहौर इस्लामाबाद वाली जो मोटरवे है उसका बाबू साहब से अगला जो इंटरचेंज है फैज़पुर इंटरचेंज, वहाँ से आप एग्जिट लेते हैं तो साथ ही अल रहमान गार्डन है। अगर आप लोग इधर से माल रोड ज़िला कचहरी से आ रहे हैं तो आपने मालरोड ज़िला कचहरी वाला जो चौक है वहाँ से लेफ्ट होना है सगियाँ पुल की तरफ, और सगियाँ पुल आपने क्रॉस करना है तो साथ ही अल रहमान गार्डन है। ये इसका अटैच वाशरूम। नाज़रीन, बड़ी प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे आप लोग जो है वो 3 मल्ला से लेके 1 कनाल तक के घर और प्लॉट कैश के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे सोसाइटी में तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की सहूलतें मौजूद हैं, और इसके अलावा लोकेशन बड़ी अच्छी है। ये इसकी वार्डरोब्स हैं, इसके अंदर 1 बाय 1 सारी चीज़ें आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। इसका 2nd बेडरूम है, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, सीलिंग बड़ा मॉडर्न डिज़ाइन का, फैंस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, और ये इसका अटैच वाशरूम है। एक में जो है आप लोगों को कमोड दे दिया है, एक में जो है वो नीचे सीट दे दी है, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है 5 बेडरूम के साथ ये 5 मल्ला डबल स्टोरी घर अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर में देख रहे हैं। ये घर की डिमांड 1,65,00,000 है। आप लोग यहाँ पे अगर घर खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो 1 नंबर गेट पे हमारा ऑफिस है, बिशारत स्टेट के नाम से आप ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। ये इसकी एंट्रेंस लॉबी है। नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट रखी जाए ताकि जो है वो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ये इसकी सामने ओपन टेरेस है, यहाँ से आप बाहर का मौसम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप मेन घर में जो है वो एंटर हो जाते हैं। बैक साइड पे यहाँ पे आप लोगों को 2 बेड मिल जाते हैं। ये लाउंज है सामने, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे वॉलपेपर्स हैं, शैनलियर है, यहाँ पे सीलिंग है, और सामने वाली साइड पे आप लोगों को 1 बेड मिल जाता है। इसको बेडरूम भी कह सकते हैं, ड्राइंग भी कह सकते हैं, स्टडी रूम भी कह सकते हैं। ये आप लोग इसका सामने देख सकते हैं, बेसिकली इसको स्टडी रूम आप कह सकते हैं, बेडरूम भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सामने वाली साइड पे एक एक्स्ट्रा आप लोगों को रूम मिल जाता है, इसके साथ अटैच वाशरूम नहीं होता। बैक साइड पे दोनों बेडरूम्स के साथ आप लोगों को अटैच वाशरूम मिल जाते हैं। ये इसका बेड है। नज़र, ये घर बड़ी प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ से मार्केट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मस्जिद करीब है, और बड़ा मेन पार्क करीब है, और इसके अलावा यहाँ से शेप्स कम्यूनिटी क्लब यहाँ पर करीब है, और बड़ी ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन है। स्कूल जो है बच्चों का स्पेशली वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और इस घर की जो रेंटल वैल्यू है नाज़रीन तकरीबन 50,000 रुपये है। अगर आप इसको ख़रीद के रेंट पे देना चाहते हैं तो तकरीबन 50 से 60,000 जो है इस घर का आप रेंट दे सकते हैं, लेकिन ये रेंट के लिए नहीं है, सेल के लिए। ये ऊपर वाले फ्लोर का 5वां बेडरूम। नाज़रीन, यहाँ पे प्लॉट और घर आप लोग ख़रीद सकते हैं, हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया कि आप जो भी हमारी वीडियो देखें कोशिश करें आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आएँ ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को बैठ के जो है वो डिस्कस की जाएँ। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं फिर कहते हैं जी हमने घर ले लिया था फिर ये प्रॉब्लम होगी या वो प्रॉब्लम होगी, कमीशन बचाने के चक्करों में वो जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर बैठते हैं, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन जब आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छा घर देंगे और मुनासिब कीमत के ऊपर देंगे, ये इंशाल्लाह हमारा वादा है।
और मनी बैग गारंटी के साथ जो है देंगे। ये ऊपर वाला स्टोर रूम है छत के ऊपर, ये काफ़ी बड़ा आप लोगों को एक स्टोरेज रूम मिल जाता है। और उसके बाद आप लोगों को छत भी दिखाते हैं, ये इसका छत है, छत के ऊपर मार्बल लगा हुआ है और इसकी जो है वो पॉलिश नहीं किया ताकि जो है वो स्लिपिंग ना हो। ऊपर वॉशरूम मौजूद है। नाज़रीन इस घर की डिमांड 1,65,00,000 लाख है। अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर की अच्छी प्राइम लोकेशन पे ये घर है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे दिए गए नंबर पे रबता करें और इस घर को विज़िट करते हैं। एक नंबर गेट पे अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर के एक नंबर गेट पे हमारा ऑफिस है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।